नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कतलकर और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। महाराष्ट्र राज्य में पिछले 3 महीनों में 5,610 लड़कियां गुम होने की जानकारी प्राप्त हुई है। मार्च महीने में 2,200 लड़कियां तो वही फरवरी महीने में 1,810 लड़कियां गुम हुई है। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो हर रोज 70 लड़कियां राज्य से गुम हो रही है। चंद्रपुर के प्रसिद्ध ताड़ोबा में आने वाले सेलिब्रिटियों ने चंद्रपुर जिले के ऐतिहासिक विरासत को भी भेंट देना चाहिए, यह मंशा वन स्टॉप सॉल्यूशन के संचालक सुयोग भोयर ने सचिन तेंदुलकर से मिलने के बाद व्यक्त की है। चंद्रपुर शहर के समीप घुगुस के अदानी समूह द्वारा संचालित एसीसी सीमेंट कारखाने की जांच के आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पुणे द्वारा दिए जाने के कारण कंपनी व्यवस्थापन में खलबली मची हुई है। पर्यावरण से जुड़े नियमों का सीमेंट कंपनी द्वारा पालन न किए जाने पर कंपनी के खिलाफ आई शिकायतों पर दंडाधिकारी तथा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई है। कोरबना शहर के एक विद्यालय के सामने वही के एक शिक्षक की दुपहिया वाहन चोरी होने के कारण खलबली मची हुई है। शिक्षक दिनकर मणिराम सोनटक के इन्होंने स्कूल के सामने अपनी दुपहिया वाहन खड़ी की थी और जब वह स्कूल से बाहर आए तब उनकी दुपहिया वाहन वहां से गुम हो गई थी। मारेगांव शहर में शादी का मंगल कार्य निपटा कर एक युवती पैदल ही अपने घर जा रही थी, तब बेगांव निवासी एक युवक ने इस युवती को रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़खानी की। अचानक हुई इस घटना से घबराकर युवती ने सीधे पुलिस थाने का रास्ता अपनाया और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की। चंद्रपुर जिले के राजुरा तहसील के विरूर स्टेशन में हीटर का शॉक लगकर एक महिला की दुखद मृत्यु हुई। सोनूबाग ऐसा इस 28 वर्षीय महिला का नाम है और वह विरूर स्टेशन के रेलवे कॉलोनी में रहती थी। ताड़ोबा में आए सचिन तेंदुलकर से मिलने चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार विश्राम गृह पहुंचे और उन्हें अक्टूबर माह में आयोजित माता महाकाली महोत्सव के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर उन्होंने अम्मा के टिफिन के बारे में जानकारी दी। मुकुटबन मार्ग पर कोयले की यातायात करने वाले एक ट्रक ने दुपहिया पर जाने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर दी। इस घटना में वह व्यक्ति गंभीर जख्मी हुआ और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। संजय गोयंग का ऐसा मृतक का नाम है और वह कोल डिपो में कार्यरत था। मूल तहसील के कांतापेट जिला परिषद के प्रधान अध्यापक ने अभिभावकों की परमिशन के बिना ही उनके बच्चों की टीसी एक निजी संस्था के प्रधान अध्यापक को सौंप दी। इस बात की जानकारी मिलते ही अभिभावकों ने स्कूल में जाकर हल्ला मचाया। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।